गुड गुड एक्सलेंट। आज प्रोग्राम शुरू करें। अभी तक आप लोग ने बेसिक वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट या नोटपैड डॉक्यूमेंट और अंग्रेजी में क्या करना है करके सीख रहे हैं, वो चलेगा। फिर आज एक नई टॉपिक शुरू करूं, डेटा एंट्री के बारे में। ये स्ट्रेट टॉपिक है। ओके, आप लोग ने गूगल ट्रांसलेट शुरू ट्राई किया? जी सर, हाँ, जी सर, यस सर, सब सबको पता है गूगल ट्रांसलेट के बारे में? नहीं सर, नहीं है? जी नहीं। ओके, एक काम करूं, गूगल ट्रांसलेट अभी दिखाता हूँ। ओके, सर, आपको हिंदी में टाइप करना आता है ना? जी सर, जी सर, ओके, नाउ गूगल ब्राउजर में ट्रांसलेट, ओके, स्पेस गूगल ट्रांसलेट गूगल टाइप करें तो ऐसा है कि ये स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड में एक लैंग्वेज, राइट हैंड साइड में इंग्लिश। ओके, नाउ यस सर, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ने लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, वो क्लिक करेंगे तो मैं तो हिंदी चूज कर रहा हूँ। ओके ओके, लेकिन हिंदी में टाइप करना है, कैसे टाइप करना है? आप राइट, मैं हिंदी, क्योंकि वो कीबोर्ड इंग्लिश में, लेकिन मुझे हिंदी वर्ड चाहिए, लेकिन मैं AAP टाइप किया, खुद वो आप दिखा रहा ना, आप कैसे हो, राइट? ठीक से आया था ना? तो मैं इंग्लिश में टाइप किया, AAP स्पेस KAISC स्पेस HO टाइप किया, वो ऑटोमेटिकली वो हिंदी लैंग्वेज चूज किया, वो ट्रांसलेशन अभी दिख रहा है ना आप कैसे हो करके, राइट? अंग्रेजी में लिख के ऐसे गूगल पे सर्च करूं तो फिर हिंदी इंग्लिश में में, होता इंग्लिश में ट्रांसलेट है। कर दिया हो, हाउ आर यू, राइट? का स्टार्ट सब शुरू कर दीजिए। ये समझे, समझ गया आप लोग? ओके, जी सर, सो आपको कुछ हिंदी से अंग्रेजी को ट्रांसलेट करना है तो सीधी जी बात है, गूगल ट्रांसलेट साइट को जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में हिंदी चूज कर लो, हिंदी चूज किया, राइट साइड में इंग्लिश चूज कर दो, इंग्लिश हिंदी में अभी अभी इसको क्लोज करेंगे तो ये एक्स मार्क है ना, इसको क्लोज करेंगे तो वो निकल जाएगा। नाउ मुझे इसको हिंदी में, मुझे वर्ड पता है, डिक्शनरी में भी देख सकता है, फिर भी विवरण, राइट? मैं इंग्लिश में विवरण टाइप किया, वो ऑटोमेटिकली हिंदी जी में ट्रांसलेट किया, उसका इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन, उसका मीनिंग है। ये हिंदी में वर्ड है, ये इंग्लिश में वर्ड है, ठीक है ना? और मैन, राइट? इसमें मैं इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मन है या मैन है, राइट? वो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन दो तीन बार ट्राई करेंगे तो हमको पता चलेगा क्या ट्राइप करना है करके। मन में, राइट? नाउ द मोमेंट मन में, ऑटोमेटिकली मन में दिख रहा है ना, दर इन माइंड, मन में क्या है, माइंड में क्या है, राइट? सो आपको माइंड में कुछ वर्ड है, उसका इंग्लिश में क्या वर्ड है, एग्जैक्ट वर्ड पता होना चाहिए, ट्रांसलेट यूज कर लो, फुल सेंटेंस भी कर सकता है। मन में क्या है, राइट? नाउ देखिए व्हाट इज ऑन योर माइंड, राइट? नाउ सर, इसमें मन,
क्या है, अंग्रेजी राइट, वो भी कर सकता है. सो व्हाट एवर आपको क्या चाहिए वो सर को बताने सब इंग्लिश पहले में टाइप कर लो. ये सर ट्रांसलेट हिंदी कर हिंदी ऑटोमेटिकली वो सर वो हिंदी में अंतर दिखाएगा, नहीं उसके बताया बाद इसको अंग्रेजी में क्या है ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड में दिखाएगा. इसको मेल में डालना है, इधर एक बटन है ना कॉपी करके, कॉपी को क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हुआ. अभी नोटपैड में पेस्ट करूँ तो, राइट, इधर पेस्ट करूँ तो ऑटोमेटिकली इट विल बी ए आ जाएगी. इतना ही है, सिंपल चीज़ है. लेकिन कभी कभी मैं मीटिंग जाने के पहले मुझे इंग्लिश में वो क्या है करके पता है, लेकिन उसका हिंदी वर्ड मुझे पता नहीं है. मैं इधर जाकर टाइप करके वो हर क्लास आने के पहले मैं प्रिपेयर करके आऊं. ये सब अच्छी अच्छी टूल्स है. ये गूगल ट्रांसलेट दुनिया में जितनी भाषाएं हैं उतनी में ट्रांसलेट कर सकता है, राइट. सब लोग ये यूज कर रहे हैं. इट्स अ वेरी गुड टूल, आप लोग भी यूज कर रहे हैं. ये सिंपल है या मुश्किल है, कैसा लग रहा है ये टूल? सिंपल है सर, अच्छा लग रहा है। सिंपल है, अच्छा तो लग सिंपल, रहा है, लेकिन सर समझने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ये सब कुछ हाँ सर जी सब कुछ को प्रैक्टिस करना है. दो तीन बार ट्राई करेंगे तो पहली सर बार टफ होगा, सर दूसरी बार थोड़ा सा आसान, तीसरी बार, देन 4-5 टाइम्स करेंगे तो 4-5 टाइम्स करने के बाद आसान हो जाएगी. तो इसीलिए गूगल ने सोच कर दुनिया में सब लोग लैंग्वेज सीखने के पहले ये ट्रांसलेट सीखना है, क्योंकि आजकल डिक्शनरी, इतना बड़ा डिक्शनरी प्रिंट करना है, सभी जगह नहीं लेके जा सकता डिक्शनरी को. सो माई डॉटर बोल रही है इधर से, डिक्शनरी मत बोलो शब्दकोश बोलो करके बोल रही है. गुड. जी नाउ नाउ आज का टॉपिक है, ओके, जी आज का टॉपिक अभी नोटपैड दिखा रहा है ना. नाउ डेटा सर एंट्री, यही हमारा लक्ष्य है. डेटा सर एंट्री, माइक बंद करवाइए, सबका बहुत शोर हो रहा है। से माइक से बात करते हैं, एक मिनट. ओके गुड. नाउ डेटा एंट्री में दो तीन चीज है. फर्स्ट थिंग, आप किधर किधर पैसा देकर कुछ लेना है, कौन सी जगह में पैसा देना है, कुछ चीज लेना है, बोलिए. अनम्यूट कर लो, बाद में म्यूट कर लो, बात करने के बाद म्यूट कर लो. बिल सर कौन सा जगह में आप पैसा देना है, देना पड़ता है आजकल? मॉल में सर, माल, और सर्विंग पे करना होता है, हर एक बिल में सर जगह पैसा देना पड़ता है। जी सर हर जगह में पैसा देना कोई पड़ता है, भी सामान आप लीजिए तो देना ही पड़ता है ना, कपड़ा पेमेंट हो, देना पड़ता है, घर का जी सर सामान देना हो। रेशन शॉप में देना जी पड़ता है, राइट. सर बिजली विभाग में हाँ, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, जी कॉमर्स मोबाइल विभाग मोबाइल रिचार्ज, राइट. यस सर कॉमर्स और किधर है? सेंटर हाँ, सेंटर, सारे स्टडीज कल्ब स्कूल सेंटर में, कॉलेज स्कूल कॉलेज स्कूल, कोचिंग कॉलेज, कोचिंग, सभी, हॉस्पिटल, यस सर
पोस्ट ऑफिस, जी तो ये सब जगह में पैसा देना पड़ता है। जी सर कितने लोकेशंस में आपका डिटेल्स पूछ रहा है? अभी दुकान में, बैंक दुकान में सोप खरीदना है या दाल खरीदना है, आपका नाम क्या है, ऐसा नहीं पूछेगा, करेक्ट? सर लेकिन बैंक में आपको कुछ पैसा देना है या लेना है, दोनों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ तो विवरण उन लोगों को चाहिए। बैंक में बिजली हाँ, अभी विभाग में नोट पैड खुलना इन एक सब एक स्मॉल कॉपी स्मॉल एक्सरसाइज है, लिखा एक स्मॉल एक्सरसाइज है, ओके? तलाची वाला कारखाना नाउ भैया बैंक में उन लोग ने क्या पूछेगा, क्या विवरण पूछेंगे उन लोग? नाम, आपका अकाउंट नंबर अकाउंट नंबर, अकाउंट पता नंबर, पता आपका आधार कार्ड, मोबाइल आधार, नंबर सर, अकाउंट नंबर, मोबाइल पैन नंबर, आधार नहीं है तो मोबाइल कार्ड नंबर, राइट? मांगे करेक्ट। इसके बाद वो चेक में कुछ लिखना है, यो चालान में कुछ लिखना है, सिग्नेचर देना है, राइट? जी सर और कभी कभी जेराक्स भी देना है, जेराक्स के साइन करके देना है। तो जी सर सर गवर्नमेंट ऑफिसेस, एनी ऑफिस, कुछ भी है ऑफिस, ऑफिस में हमारे बारे में उन लोगों को कुछ पता होना चाहिए। उसके वो डिटेल्स के बिना उन लोग हमसे नहीं बात करते हैं। जी ये सब डिटेल्स, डिटेल्स बोलते हैं इसके, इसके नाम पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स बोलते हैं। बहुत पता भी बहुत सारे जगह में पर्सनल डिटेल्स बोलते हैं। पूछते इसमें नेम, ओके, नेम, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, राइट, जी जन्मदिन वो तारीख होना चाहिए, एड्रेस, राइट, हॉस्पिटल में और क्या पूछेगा उन लोग? हॉस्पिटल पेशेंट का नाम पूछते हैं, उनके गार्जियन का नाम पूछते हैं, कहाँ से आई है। हाँ, कहाँ से है वो एड्रेस, राइट? एड्रेस, एड्रेस में स्ट्रीट, कौन जरूरी सा सर स्ट्रीट से, मोबाइल नंबर आधार नंबर रखो विलेज या सिटी, किधर से आ रहे हैं, राइट? वो सब पूछते हैं उन लोग। और आधार नंबर, आधार, और जी इंश्योरेंस कार्ड है आपके पास, वो गवर्नमेंट का इंश्योरेंस कार्ड पूछते हैं उन लोग। जी सर हाँ, इंश्योरेंस कार्ड, किस, सदस्य क्या है उसका भी फोटो भी ले लेंगे सर। हाँ, वेरी गुड, फोटो, ये पासपोर्ट साइज फोटो है, कुछ तो रिसेंटली फोटो है, लेकिन बचपन का फोटो नहीं देना। जी सर जो लगा है उसी सर जी रिसेंटली क्या लिख दिया, वो लिया, वो फोटो देना है। और सिग्नेचर, राइट, सर सिग्नेचर देना पड़ता है। और पोस्ट ऑफिस में क्या पूछेगा उन लोग? ऑफिस में आपका नाम पूछेंगे, आपका खाता संख्या पूछेंगे, कब आप खुलवाई है, कहाँ की है। राइट। सब जगह में नाम, मोबाइल नंबर, आधार, डेट ऑफ बर्थ। हॉस्पिटल में और एक पूछेगा, ब्लड ग्रुप, जी सर ओ पॉजिटिव या बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप क्या है, राइट? जी एंड सब जगह में नेम, फादर्स, फादर या मदर नेम, राइट, वो भी देना है, करेक्ट? और मेल या फीमेल वो भी पूछते हैं ना। अभी आपके कुटुंब में फर्स्ट पर्सन कौन है, हस्बैंड्स नेम, वाइफ्स नेम, चिल्ड्रंस नेम, राइट? और आपके ओल्ड पीपल कौन कौन है, उन लोगों का नाम। सो
नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल, आधार, और आरटीओ ऑफिस जाते हैं आप लोग, आरटीओ ऑफिस में कुछ लाइसेंस लेना है व्हीकल के लिए, उस उधर क्या पूछते हैं उन लोग? व्हीकल नंबर पूछते हैं, सेम नेम, आधार, बैंक अकाउंट नंबर, कौन सा बैंक का नाम, राइट, बैंक नेम, राइट, कहाँ पे आपका बैंक है वो भी पता पूछते हैं। हाँ, आईएफएससी कोड, वो कहाँ पे आपका बैंक, करेक्ट, वो आईएफएससी कोड, मतलब आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड जी सर, लोकेशन, राइट, हर जगह के लिए एक लोकेशन कोड भी होता है, वो भी पूछते हैं, अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर एंड व्हीकल नंबर, गाड़ी कौन सा गाड़ी है, व्हीकल ब्रांड, राइट, या स्कूटी, किस कंपनी का आपका गाड़ी है, या बजाज है, या चेतक है, टीवीएस 50 है, आरटीआर है, राइट, कार है, कार, कार में वो व्हीकल का टाइप है, टू व्हीलर, कार, फोर व्हीलर, फोर व्हीलर, वो भी उन लोगों को पता होना चाहिए, राइट, जी सर, ये सब विवरण है, ये सब विवरण मिले तो आपके बारे में उन लोगों को वो ओके ये सही बंदा है करके उन लोग ने आइडेंटिफाई करते, ये सब किसके लिए चाहिए उन लोगों को, आइडेंटिफिकेशन, या तो कोई गाड़ी फाइनेंस कराना है उसके लिए, हाँ आइडेंटिफिकेशन, इसका हिंदी में मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैं क्या करूं, इधर जाके इंग्लिश यूज करूं, ओके, इंग्लिश पहचान, पहचान, क्योंकि मेरा मेरा हिंदी में मेरा नॉलेज कम है, जो तो संभाल करता हूं, फिर भी हर दिन एक वर्ड, हर दिन एक वर्ड सीखेंगे तो एक साल में 300 वर्ड्स आसपास सीख सकते हैं ना, जी सर, एक साल में आप लोग जैसे बात कर रहे हैं मैं भी बात कर सकता है, वो सब प्रैक्टिस है, इसके लिए वो गूगल, मेरे मेरे साथ ही गूगल है, ओके, नाउ ये सब आइडेंटिफिकेशन, पहचान होने के लिए उन लोग ने पूछते हैं, और उन लोगों को ये जिम्मेदारी क्या है, सही बंदा को पैसा देना है, आपका आधार कार्ड और किसी तो लेके आ रहा है, और कोई लेके आ रहा है ना, उनको नहीं देना है, क्योंकि नंबर, नाम, फोटो तीनों उसमें, राइट, वो फोटो, ये फोटो देखने के आपको एक बार देखेगा उन लोग, सेम बंदा आइडेंटिफाई करता है, आपका सिग्नेचर एक बार बैंक में दिया, 3 बार साइन करके दिया, वो सिग्नेचर और वो हस्ताक्षर और ये चेक में कोई हस्ताक्षर आ रहा है ना, वो दोनों सेम है, वो बैंक में वो क्लर्क वेरीफाई करेगा, राइट, हम लोग बैंक में काम करना है या इंश्योरेंस में काम करना है या पोस्ट ऑफिस में काम करना है या आरटीओ ऑफिस में काम करना है, हॉस्पिटल में काम करना है, सभी जगह में 30 से 40 डेटा रिपीट होते जाते हैं, राइट, 30 to 40 डेटा, इतना ही है दुनिया में, इतना ही है, इसमें जस्ट रिमेम्बर, याद रखो, लोकेशन देश, राइट, लोकेशन, हम लोग काल देश बोलते हैं ना, काल देश वस्तु, राइट, काल, दिस इज टाइम, डेट, सभी जगह में आज का डेट क्या है, कब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी कब खत्म हो रहा है, वो टाइम के बारे में, डेट के बारे में कुछ डेटा 100% हो सकते हैं, लोकेशन, दिस इज देश, विलेज या सिटी, राइट, या एड्रेस कुछ भी है, वस्तु, वस्तु कैन बी, हम लोग ने चीज बोलते हैं ना,
दुकान में कुछ खरीद रहे हैं, बैंक में आपको क्या चाहिए, डीडी चाहिए या कैश चाहिए, कौन सा चीज चाहिए, इंश्योरेंस में आपको चाहिए क्या चाहिए, पोस्ट ऑफिस में आपको क्या चाहिए, वो कौन सा चीज है, वस्तु, राइट। और आदमी, पर्सन, काल, देश, वस्तु और आदमी, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा एंट्री के लिए। क्या सर, ये सर रिपीट रिपीट कर दीजिएगा। कौन सा भी जगह हम लोग जाते हैं, वो जगह में कुछ ना कुछ तो उन लोग पूछते हैं, कंप्यूटर में कुछ ना कुछ तो एंटर करते हैं, उस वो सिर्फ चार कैटेगरी में आता है। उसमें फर्स्ट कॉल, अभी हम लोग पुलिस स्टेशन जाके एक कंप्लेंट देना है, मेरा मेरी साइकिल कोई ना तो कोई तो चोरी किया, इमीडिएटली वो पुलिस क्या पूछेगा, कहाँ से चोरी कहाँ, राइट, लोकेशन, देश, कहाँ, राइट, कहाँ पार किया था, राइट, हुआ? वो वाराणसी में वो माल के सामने पार किया था। सामने दूसरी क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन, रिकॉर्ड करिए। दूसरी क्वेश्चन, वो पुलिस क्या पूछेगा, आपका नाम क्या? आपका नाम क्या है, किधर से आ रहा है, राइट, जी आपका मोबाइल नंबर क्या है, राइट, सर, आदमी के बारे में उन लोग पूछते हैं। और तीसरी क्वेश्चन, क्या चोरी हुआ, साइकिल साइकिल की, या मोटर मोटरसाइकिल बाइक या गोल्ड चेन का। या कुछ डॉक्यूमेंट और को पैसा, क्या चोरी हुआ, वस्तु, राइट, और क्या पूछेगा, कब चोरी हुआ था, कल या परसों या एक हफ्ते के पहले। आप लोग ने पूछा एक हफ्ते के पहले, क्यों आप तभी नहीं आए थे, आप नहीं, आप आज क्यों आया, वो बोल पूछेगा ना, तुरंत आना चाहिए, चोरी हुआ तो तुरंत आना चाहिए। तो बैंक में जा रहे हैं, उधर भी उन लोग विवरण में काल, देश, वस्तु, आदमी के बारे में पूछेंगे। इंश्योरेंस जाना है, इंश्योरेंस में कुछ खरीदना है, पोस्ट ऑफिस में कुछ खरीदना है, काल, देश, वस्तु और आदमी, ये चारों चीज डिटेल्स विवरण उन लोगों को चाहिए। अंडरस्टूड, समझ गए आप लोग, सर पहले सबका आवाज म्यूट करवाइए, बहुत शोर हो रहा है। ओके। नाउ आपको एक एक्सरसाइज देने वाला हूं, आज एक्सरसाइज करके अगेन नेक्स्ट सेशन भी इंग्लिश में होगी, आप फ्री टाइम का भी मिलेगा, आप वो एक्सरसाइज कंप्लीट करके कल देखते हैं। एक्सरसाइज क्या है, आप लोन मांगने के लिए जा रहे हैं, लोन, ओके, घर खरीदने के लिए, होम लोन बोलते हैं ना, घर खरीदने जी के लिए आप लोग ने बैंक में अप्लाई करना है। जी सर होम लोन के लिए क्या विवरण उन लोगों को देना पड़ेगा, ओके, जी सर एक पेपर में लिखना लिख सकता है या नोटपैड में टाइप कर सकता है या वर्ड में टाइप कर सकता है, एक इसका आंसर कल हम लोग ने रिव्यू करते हैं, ओके। जी आप सर आज प्रिपेयर कर लो, जितना भी जी डेटा आपको मन में आता है, लेकिन एक बैंक, आप एक बैंक को जाकर पूछ लो, जी सर वो बैंक वाला पूछेगा आप क्या लोन चाहिए, नहीं, मुझे लोन नहीं चाहिए, हमारा टीचर ने एक एक्सरसाइज दी था इसीलिए मैं आया था करके, बोल दीजिए उसको, राइट। जी तो आज का एक्सरसाइज होम लोन के अप्लाई करने के लिए क्या क्या विवरण उन लोग को देना पड़ता है, लिख लो या टाइप कर लो, पता लेकिन कर एक जी डेटा भी मिस होना नहीं चाहिए,
कंप्लीट करना है, मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? जी ओके सर, सर, ओके। आज कुछ नया आइटम सीखा आप लोग ने आज? जी जी सर, जी सर, हर दिन एक नया आइटम सीखना है, जी सर, 2 महीने में आप लोग का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगी। ओके, जी सर, ओके सर, मैं सोनी जी, मैं इधर स्टॉप कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू कर सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, और थैंक जय यू। हिंद।